8 साल हो चुकी है, कोई भी इतना निभाले भाई काम करना छोड़ दूंगा। आलम भाई ने जो आपको प्लॉट दिया है या बना के दिया है, जो भी दिया है आलम भाई, कैसे दिया है? बन चुका है इनका, बन चुका है। हाँ, लेंटर भी उसके पैसे आपने दे दिए? कितना टाइम हो गया लिए हुए? 8 साल हो गया। 8 साल का टाइम दिया है क्या आपने आलम भाई? भाई 2 साल का टाइम दिया था मैंने, 2 साल का दिया था इन्हें टाइम। तो 2 साल से आपने 8 साल खेच दिया, अब भी नचा रहे मुझे यार। नहीं यहाँ पर तो हमने सुना है अभी सरिया लिया उधार, इन्होंने लेंटर गिरा भाई, सरिया उधार लिया, उसके भी पैसे नहीं दिए। नहीं हमने सुना है यहाँ पर लालच देने को पूरा पूरा पैसे दे, डीलर कस्टमर को नचाता है, और यहाँ लग रहा है कि आप आलम भाई को नचा रहे हो। नहीं नचा, तो पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक? दे देंगे, धीरे धीरे मिल जाएगा। कैसे? जो खा पी के बच्चे देते रहोगे। ये लीजिए दोस्तों, यही चीज आपको बताना चाह रहे थे हम। किया जाएगा, 8 साल हो चुकी हैं, यानी जो खा पी के बच्चे देते रहना। सिराज भाई उन्हीं भाइयों की सेवा में लगा हुआ हूँ जिनका बजट नहीं है। शुरू में तो 30,000 रूपए दिए। 30,000 रूपए? और आपने किस रेट पर ये जमीन ली थी पहले? टाइम क्या रेट रहा होगा, कितने रूपए पर गज का रेट होगा? मैं 6 महीने हो गए ले, फिर भी कितना गज का रेट होगा उस टाइम? उस समय मैंने ली थी 11,500 रूपए। 11,500 रूपए पर गज। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की डेट में क्या रेट बेच रहे हैं? बहुत अच्छे रेट जा रही है और पब्लिक आ रही है। फिर भी क्या रेट होगा आज की डेट? 17। गोपाल जी सही बात है बिल्कुल, यानी आज से कुछ दिन पहले 10,000 से 11,000 रूपए का रेट था और आज की डेट में 17,000 रूपए पर गज। आज भाई आप खुद कस्टमर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल मैं आपको रियल जो रियल है बसावट भी देख रहा हूँ, बसावट भी आपके सामने हुई है। आप जो भी देख रहे हैं रियल में आपको कस्टमर से पहले कुछ था यहाँ पे? 2-4 मकान बने हुए थे, उसके बाद से जब से आया हूँ जो काफी मकान। ये बताइए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था और अब जब से अब तक जैसे बहुत सारे लोग हैं, या आपने जब प्लॉट यहाँ पर कभी पहला प्लॉट दिलवाया था या जब से अब तक, मान के चलिए 4-5 महीने में कुछ चेंज होता है? नहीं होता, चेंज है, बहुत चेंज है। साइड पे कुछ चेंज होता है? साइड एकदम बन जाती है, बसावट होती है, बसावट एकदम है। तो आलम भाई ये जो सारा खेल है बसावट का, यानी आप हर जगह पे बसावट करा देते हैं? हाँ जी, 3-4 महीने में हमारी कॉलोनी ऐसी हो जाती रहने लायक, यानी 50-60 परिवार मिल जाते हैं। 10-20 हज़ार दिए अपना प्लॉट हो गए, बाकी अपना किस्तों में करके। आपने कब लिया था जी प्लॉट बताइए? रक्षाबंधन को। और रक्षाबंधन फिर आने वाला है? राना बन भी गया। बन भी गया, बना के रह भी रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं। कितने कितने गज का लिया था? 60 गज का। कहाँ से है? नजफगढ़ से। नजफगढ़ आपको क्यों अच्छा लगा? यहाँ पे सारी सुविधा हमारे पास में, रोड जा रहा है, ठीक है जी, ठीक है, और यहाँ पे सारी सुविधा दे रहे हैं, आने जाने की भी है, पास में है हमारी, वहाँ से बैठो यहाँ तक का हमारा बैटरी रिक्शा भी आया। बैटरी रिक्शा 10 प्लॉट और मैंने दिया अपने रिश्तेदार को, भैया की जमीन का। क्या बात है, तो आप मतलब ऐसा क्या है यहाँ पर जो सभी लोगों को आप प्लॉट दिलवाते हैं? हमें अच्छे लग रहे हैं, उनके अंदर कमी ना है भाई, प्लॉट के अंदर कोई कमी नहीं है, भाई के अंदर, आलम भाई के अंदर, भाई के अंदर कमी नहीं। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से एक बार बहुत ही अच्छे अच्छे प्लॉट और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बने हुए घर, यानी जड़ से मकान। आपने दोस्तों एक सपना देखा था कि हमारा भी एक खुद का घर होना चाहिए, तो वो सपना बिल्कुल आज पूरा होने वाला है। और वो कहां पर होने वाला है दोस्तों? पहले तो आप ये भीड़ देखिए, ये सारा क्राउड देखिए, चारों तरफ यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। आपको कहाँ पर आना है दोस्तों? ये देखिए, न्यू आलम प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर मिलते हैं आपको बहुत ही सस्ते दामों में बहुत ही किफ़ायती प्लॉट जो बिल्कुल दिल्ली के पास मिलने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं न्यू आलम प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर आपको मिलते हैं आलम भाई। आलम भाई क्या हालचाल है? बढ़िया सिराज भाई, आप सुनाओ ठीक हो? और अन्नी भाई आप सुनिए। बढ़िया, आप सुनाओ कैसे? क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। आलम भाई ये बताइए, हमारे भाई ये चाहते हैं कि हमारा भी एक प्लॉट हो बिल्कुल दिल्ली के पास हो। जो लोग इस वीडियो को बाहर से देखते हैं, यानी इंडिया और इंडिया के बाहर से जो लोग दिल्ली आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। जो लोग आलम भाई जैसे इंडिया के बाहर भी कुछ लोग हैं जो हमारे भाई हैं प्लॉट लेना चाहते हैं, उनके लिए बताइए क्या वो भी यहाँ पर प्लॉट बुक कर सकते हैं? सभी भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका आलम भाई आपके लिए लेकर आता रहता हूँ अच्छी अच्छी वीडियो। हाँ, और आज भी लाया हूँ, और आपको हर बार ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ सभी भाइयों के लेने के हिसाब से। यानी आप बाहर से जो विदेश में हो विदेश से भी ले सकते हो, दिल्ली में हो दिल्ली से ले सकते हो, यूपी से ले सकते हो, कहीं से भी हो ले सकते हो आप, ठीक है। और इतना सस्ता है, आप सबके बजट में भी है, कुछ महंगा भी है, जैसा आप चाहो 7,000 से 25,000 रुपए गज तक है, और सभी सुविधा के साथ है।
पास में रेलवे स्टेशन है, मेट्रो है, इंडस्ट्रीज एरिया है, और मेट्रो यहाँ से आपका शिव विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जो शिव विहार मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से आपका जो इंडस्ट्रीज एरिया है ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी है, ये दिल्ली के टच में पड़ता है, सबापुर दिल्ली 94 पड़ता है, उसके टच में ये 0 किलोमीटर। अब दोस्तों देखिए, आलम भाई ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, यानी प्लॉट के आसपास क्या क्या है, आपने सुना है कितनी, यानी थोड़ी सी देर में इतनी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पूरे दिन भी घूमेंगे ना तो USP ख़त्म नहीं होंगी, यानी इस ज़मीन के आसपास जो जो चीज़ें आपको मिलनी है वो कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर सलमान भाई, मेट्रो स्टेशन कौन सा है आसपास? शिव विहार मेट्रो स्टेशन है। ये लीजिए, यानी शिव विहार मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आपकी जमीन के पास है, कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से मात्र आपका 3 किलोमीटर की दूरी पर। 3 किलोमीटर जी। अब आलम भाई ये बताइए, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आपसे प्लॉट लेना चाहते हैं, अगर एक 50 गज का प्लॉट आपसे लेते हैं, ये मान लीजिए 30 गज का लेते हैं जी, तो पहले हमें क्या देना पड़ता है? जो आपका बजट है 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, जो आपका बजट है वो जमा करो, बाकी अपना जो खा पी के बचे वो दे सकते हो। 3-3.5 साल का टाइम है भाई साहब, पक्की रजिस्ट्री करा के देंगे सभी को, और दाखिल खारिज करा के देंगे, बैंक से लोन भी करा के दे देंगे जिसका बजट नहीं है। बहुत से हमारे भाई कहते हैं बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक से लोन भी करा देते हैं। अब ये बताइए, जो बाहर रहते हैं ना, इंडिया के बाहर, वो कैसे बुक करेंगे, उनका प्रोसीजर थोड़ा सा? उनका ऑनलाइन बुक हो जाता है, मानने की बात है, जैसे आप हमारी सारी वीडियो देखते हो, ठीक है, कौन सी कॉलोनी पसंद आती है, आप उसमें बोलो कि यहाँ पे मुझे लेना है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा कि यहाँ पे ये मिल जाएगा, और नक्शे का फोटो भेज दूंगा, नक्शे में जो प्लॉट चॉइस करोगे वो मैं आपको बता दूंगा, ये खाली है, ये बिका हुआ है, वो आपका बुक हो जाएगा, आप अमाउंट डाल देना, मैं आपको पर्ची बना के व्हाट्सएप कर दूंगा। तो सलमान भाई, जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के बाहर से भी हैं, इंडिया से भी हैं, हाँ जी हाँ जी, वो ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा तो नहीं आज हमने प्लॉट बुक कर दिया, कल को ऐसा ना हो कि वो प्लॉट हमें ना मिले, दूसरा कुछ नहीं है जी, प्लॉट बदलो, प्लॉट नंबर दे दिया आपको, वही प्लॉट आपका रहेगा, ठीक है, यानी जो आपको बता दिया गया है मैप के अंदर, नक्शे के अंदर, वही आपको हमेशा मिलेगा, वही। और यहाँ पर किस्तों का कितना टाइम देते हैं आप? 3-4 साल का। तो आलम भाई, अगर 3-4 साल कोई लेट हो जाता है तो उसमें कुछ टाइम भाई सभी भाइयों को कोऑपरेट करते हैं। मेरी कॉलोनी में मेरी अलग अलग 12 साइडें चल रही है, कॉलोनी में कहीं भी जाकर पूछ सकते हो, 2-2 साल के टाइम दे रखे है लोगों को। पहली भी मेरी वीडियो में देखा होगा, पुरानी वीडियो में, जिसको 2-2 साल 3-3 साल का टाइम दे रखा था, अब किसी को 5 साल हो गई है, किसी को 6 साल हो गए, उसमें भी कोऑपरेट करते हैं। देखो भाई, आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में ब्याज नहीं लगता, जो रेट होगा वही आपको देना है, ठीक है, वही आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे आपको मिलवा देता हूँ, जैसे कि ये हमारे भाई हैं, ये हैं और ये हैं, आपसे भी पूछेंगे कुछ बात, आपसे बात कर सकते हैं जी? अच्छा जी, आप बताइए सर, जैसे अभी आलम भाई ने बताया यहाँ पर सभी को प्लॉट मिलते हैं, सब प्लॉट लेने के लिए आते हैं, तो आप भी प्लॉट लेने आए? नहीं, हम ले चुके हैं जी। ले लिया तुमने? ले लिया है। कब का लिया हुआ है? 4-5 महीने। तो किस्त वगैरह दे रहे हैं आप? हाँ, किस्त जमा करी है। जमा करी है, तो शुरू में कितने पैसे दिए होंगे आपने प्लॉट लेने के लिए? 1,000 रुपये सिर्फ बुकिंग का। बुकिंग कर रहे हैं। और आप पर महीने आप किस्त देते हैं? नहीं, पर महीने हाँ जो होता है, यानी जब जो हो जाता है वो दे देते हैं। आलम भाई की तरफ से कोई रोक टोक तो नहीं है किसी तरह की? अच्छा, आपने प्लॉट लिया है बनवा करके लिया है? नहीं, खाली प्लॉट लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से सभी लोग प्लॉट ले रहे हैं। कितने गज का लिया है जी आपने? 50 गज का। 50 गज का, क्या नाम है जी? अतीक नाम है। अतीक, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है जी? बताइए। आलम भाई के पास मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, हाँ, और जो भी हमारे भाई हैं, हर तरह के मजहब के लोग रहते हैं या नहीं? हाँ, रहते हैं साहब। रहते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे। नहीं नहीं, तो आपने भी आलम भाई से प्लॉट लिया हुआ है? 50 गज का लिया जी। वहाँ पर मंदिर है? मंदिर है। मंदिर है ना? मंदिर है, यानी मस्जिद वाली जगह पे मस्जिद होगी और मंदिर वाली जगह पे मंदिर होगा, सारी सुविधा रहेंगी, अलग अलग है सारी चीजें, अलग अलग शब्द है जी। लोग कैसे रहते हैं, मिल करके रहते हैं कैसे? सारे लोग को कोई पता नहीं पड़ता कि ये कौन बिरादरी है। अच्छा जी, यानी हर तरह का लोग आ सकता है यहाँ पे, हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, और देखिए आपकी खिदमत की जा रही है यहाँ पर इस तरह से। आपसे बात कर सकते हैं जी? आप थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ से हैं, सिर्फ कहाँ से जी? कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, फिर भी आप कहाँ से, ये बता दीजिए नूरेलाई जी। अच्छा, ये तो पास में ही है यहाँ पे जी, पास तो नूरेलाई में आप अभी रह रहे हैं जी? अभी रह रहे। अभी किराए का है, खुद का? नहीं, अभी किराए पे रहते हैं। किराए पे रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसे बनाना चाहेंगे जो आपने प्लॉट लिया है अभी, या अभी खाली वैसे ही छोड़ा हुआ है? अभी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं लोग, रहने के लिए भी प्लॉट खरीद रहे हैं, पर हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने प्लॉटों के मालिक बनने, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप बताइए सर, जैसे आप लास्ट वीडियो में हमने आपका इंटरव्यू लिया था, तो आज आप कैसे हैं, किस देने आए, प्लॉट दिलवाने आए किसी? प्लॉट दिलवाने आए हैं। प्लॉट दिलवाने आए,
यानी हमेशा किसी को लाते रहते हैं अपने साथ। ये लीजिए। तो दोस्तों आज भी देखिए हमारे भाई फिर से आए हुए, क्या नाम है जी? सरफराज। सरफराज भाई, सर ये बताइए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था और अब जब से अब तक जैसे बहुत सारे लोग हैं, या आपने जब प्लॉट यहाँ पर कभी पहला प्लॉट दिलवाया था या जब से अब तक, मान के चलिए 4-5 महीने में कुछ चेंज होता है? नहीं होता, चेंज है, बहुत चेंज है। साइड पे कुछ चेंज होता है? साइड एकदम बन जाती है, बसावट होती है, बसावट एकदम है। तो आलम भाई ये जो सारा खेल है बसावट का, यानी आप हर जगह पे बसावट करा देते हैं? हाँ जी, 3-4 महीने में हमारी कॉलोनी ऐसी हो जाती रहने लायक, यानी 50-60 परिवार मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये हमारी बहन है, इन्होंने प्लॉट लिया था, इनका बजट नहीं, 10-20 हज़ार दिए अपना प्लॉट हो गया, बाकी अपना किस्तों में करके। आपने कब लिया था जी प्लॉट, बताइए? रक्षाबंधन को। और रक्षाबंधन फिर आने वाला है? राना बन भी गया। बन भी गया, बना के रह भी रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं। कितने कितने गज का लिया? 60 गज का। कहाँ से है? नजफगढ़ से। नजफ, तो ये बताइए कहाँ से आए अभी? हम सर गांव तो है हमारा हमीरपुर। अच्छा जी, गांव हमीरपुर है, नजफगढ़ में रहते सर। अच्छा जी, नजफगढ़ से हमने मोबाइल में देखे भैया का और फिर आए इधर। क्या बात है। तो इधर हमने लिया 60 गज का प्लॉट। औरों को भी दिलवा रहे हैं? 10 प्लॉट और मैंने दिया अपने रिश्तेदारों को, भैया की जमीन का। क्या बात है। तो आप मतलब ऐसा क्या है यहाँ पर जो सभी लोगों को आप प्लॉट दिलवाते हैं? हमें अच्छे लग रहे वे, उनके अंदर कमी ना है भाई। प्लॉट के अंदर कोई नहीं, कमी नहीं, नहीं है भाई के अंदर, आलम भाई के अंदर। हाँ, भाई के अंदर कमी नहीं है। अरे वाह, आइए आइए दोस्तों पूछ लेते हैं। आलम भाई ये बताइए, यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि हम खुद एक प्लॉट लेने आए थे लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को लाए, 10 को दिलवा चुके हैं, ऐसा क्यों? किसी के साथ अच्छा करूंगा जब भी तो वो मेरे बारे में सोचेंगे, अब मैं इनके साथ भाई के साथ अच्छा कर रहा हूँ। ये कहीं भी रह रहे थे, इन्होंने वहाँ कोई 5,000 दे रहा किराए पे, कोई 10,000 दे रहा, कोई 8,000 दे रहा, जिनका जैसा किराया है अपना ऐसा लेते हैं। अपना कम से कम किराए से बच के अपने मकान में आ गए तो यार थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में भी सोचोगे, जब मैं सोच रहा हूँ सबके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आलम भाई हर एक को देना चाहते हैं प्लॉट या खुद का घर। जो लोग परेशान हैं, जो किराए पर रह रहे के थक चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, तो वो आलम भाई के पास आ सकते हैं। जो लोग दिल्ली के पास प्लॉट सर्च कर रहे हैं वो लोग भी आलम भाई के पास आ सकते हैं। तो आलम भाई पहले उन लोगों के बारे में बताइए जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं, यानी बना हुआ घर, उन्हें पहले कितना देना पड़ेगा? देखो सिराज भाई, बने हुए में तो मैं 40% लेता हूँ, बना के दे देता हूँ। कुछ भाइयों का हमारा कुछ कम बढ़ती हुई बजट है तो उसमें भी कोऑपरेट किया जाता है। और जो खाली प्लॉट लेते हो, हाँ जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अब बने हुए की बात हो रही है तो एक 25 गज का मकान आप बना हुआ कितने का दे दोगे? 25 गज का मकान बना हुआ हमारे पास 4 लाख का भी है, 4.5 लाख का भी है, 5 लाख। तो उसमें कितना देना पड़ेगा? अलग अलग कॉलोनी अलग अलग रेट है, बने हुए में 40% लेता हूँ मानने के बाद। 4 लाख का प्लॉट है तो आप 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख जो भी दे सकते हो दे दो। तो ये अमाउंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का, बने हुए के अंदर 30-40% पैसा पहले देना होता है। अगर कोई खाली प्लॉट लेता है उसे क्या देना पड़ेगा? खाली प्लॉट में तो भाई आप सभी भाइयों से सुन भी रहे हो, वीडियो में भी देख रहे हो, 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपका। ये एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, जैसे जो खा पी के बचे वो देते रहे। अरे वाह क्या बात है, यानी सलमान भाई ये डायलॉग बहुत दूर तक जा चुका है, बहुत दूर तक जा चुका है, सब कॉपी कर रहे हैं। डायलॉग क्या है जी, हकीकत है, ये हकीकत है हमारे पास, औरों का हमें पता नहीं। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जिन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ है थोड़ा कैमरा से घुमा दे, जो आलम भाई कहते हैं जो खा पी के बचे वो देते रहना, बाकी में सही है? सही है भाई साहब, आप भी बताइए। सही है, बिल्कुल सही है। ये लीजिए। तो दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर और जितना चाहें उतना दे सकते हैं और प्लॉट ले सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ये देखो, ये सुमारू नाम है, इधर आओ। आइए जी आइए, इनका सुमारू नाम है, 2 साल का टाइम दिया था, आज 8 साल हो चुकी है। आ जाइए इधर, आइए इधर, आओ 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 इधर बैठो। 8 साल हो चुकी है, कोई भी इतना निभाले भाई काम करना छोड़ दूंगा। आलम भाई ने जो आपको प्लॉट दिया है या बना के दिया है, जो भी दिया है, आलम भाई कैसा दिया है? बन चुका है इनका, बन चुका है। हाँ, लेंटर भी, उसके पैसे आपने दे दिए? कितना टाइम हो गया लिए? 8 साल हो गया। 8 साल का टाइम दिया है क्या आपने आलम भाई? भाई 2 साल का टाइम दिया था मैंने, 2 साल का दिया था इन्हें टाइम, तो 2 साल से आपने 8 साल खेच दिया, अब भी नचा रहे मुझे यार। नहीं यहाँ पर तो हमने सुना है, अभी सरिया लिया उधार, इन्होंने लेंटर घेरा भाई, सरिया उधार लिया, उसके भी पैसे नहीं दिए। नहीं हमने सुना है यहाँ पर लालच देना, पूरा पूरा पैसे डीलर कस्टमर को नचाता है, और यहाँ लग रहा है की आप आलम भाई को नचा रहे हो? नहीं नचा। तो पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक? दे देंगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे। कैसे? जो खा पी के बच्चे देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, यही चीज आपको बताना चाह रहे थे हम, किया जाएगा। 8 साल हो चुकी हैं, यानी जो खा पी के बच्चे देते रहना। सिराज भाई उन्हीं भाइयों की सेवा में लगा हुआ हूँ जिनका बजट नहीं है। अभी यहाँ पर से हम चलेंगे साइड पे, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इन सभी लोगों को आलम भाई अभी बातचीत करेंगे, प्लॉट दिखवाएंगे जो भी है।
और साइड पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको हमारे गोपाल भाई मिलेंगे जो आपको साइड दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों हमारे साथ आगे हैं गोपाल जी। सर क्या हाल चाल है? बढ़िया सर जी। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था गोपाल जी को, क्योंकि आलम भाई बहुत ज्यादा बिजी है, ऑफिस पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आज की वीडियो में गोपाल जी यहाँ पर पूरी कॉलोनी दिखाएंगे। तो गोपाल जी ये बताइए, ये जो हमारी कॉलोनी है इसका क्या नाम है? ये जी दिल्ली सिटी वन। कितना टाइम हो गया आलम भाई ने जब ये काटी थी, सेल की थी? ये जी अभी 6 मंथ प्लस है, यानी 6 महीने पहले जी। और आज की डेट में इतने घर बन गए? बिल्कुल जी, देखो आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, उधर भी देखिए, वहाँ भी देखिए, और यहाँ इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, यानी चारों तरफ आपको घर ही घर बने हुए दिखाई देंगे, चारों तरफ बसावट मिलेगी जी। ये सारा खेल है दोस्तों डेवलपमेंट का और आप लोगों के प्यार का, जो आलम भाई को दिन ब दिन मिलता जा रहा है और आलम भाई यहाँ पर प्लॉट बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ जी हमारे कस्टमरों का प्यार है। क्या बात है दोस्तों, आप डिमांड करते हैं ना कि हमें बना हुआ मकान चाहिए, ये लीजिए आइए मिल जाएगा। कितने गज का मकान है जी? ये है जी 50 गज का। दोस्तों 50 गज का मकान, आइए सर आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये 50 गज का मकान है, आप यहाँ पर काम कराते हैं, तो एक 50 गज के मकान को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 50 गज का मकान बनाने में एक तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, और फिर भी नॉर्मल टाइम जो होता है, अगर कोई भाई बनवाना चाहे आपको पैसे दे करके, 1 से 1.5 महीने में कम्प्लीट पूरा करके देते हैं। एक मंजिल, तो उसमें क्या क्या रहेगा जी हमारा, आ जाइए आप थोड़ा सा, क्या क्या रहेगा उसमें जी? लेटरिंग हो जाएगी, बाथरूम हो जाएगा, किचन हो जाएगी आपकी, ठीक है, और एक बाहर को आपका कमरा हो जाएगा, एक अंदर कमरा हो जाएगा। अगर कोई दुकान बनवाना चाहे बाहर की तरफ, ये बाहर ये दुकान ही है, इसे आप खोल के भी देख सकते हैं। क्या बात है, ये दुकान ये देख सकते हैं आप, यहाँ इधर शटर भी लगा सकते हैं, चाहे तो दरवाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रोजगार भी आपका देखिए घर में हो रहा है, रिहाइश भी आपकी घर में हो रही है, और सबसे अच्छी चीज है के आलम भाई जो आपको प्लॉट देते हैं ना, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर देते हैं। बना हुआ है ये भी, लेके छोड़ा भाई जी, ये भी 100 गज का जी, ये 100 गज का बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए दिल्ली सिटी बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि मिल करके रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो जैसे गोपाल जी यहाँ पर हमारे ये भाई भी हैं, ये भी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, सारे सारे रेसिडेंट। तो आप भी दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं, इन्हीं लोगों से हम कुछ बात करेंगे। सर आप बताइए, आपने आलम भाई से प्लॉट लिया है? आलम भाई से लिया जी। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बढ़िया। और मकान की बात करें, कितने गज का मकान लिया? इन्होंने 150 गज का हमने लिया है उनसे। शुरू में कितने पैसे दिए थे? शुरू में तो 30,000 रुपए दिए। 30,000 रुपए। और आपने किस रेट पर ये जमीन ली थी पहले? टाइम क्या रेट रहा होगा, कितने रुपए पर गज का रेट होगा? मैं 6 महीने हो गए ले, फिर भी कितना गज का रेट होगा उस टाइम? उस समय मैंने ली थी 11,500 रुपए। 11,500 रुपए पर गज। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की डेट में क्या रेट बेच रहे हैं? बहुत अच्छे रेट जा रही है और पब्लिक आ रही है, फिर भी क्या रेट होगा आज की डेट? 17। तो गोपाल जी सही बात है बिल्कुल, यानी आज से कुछ दिन पहले 10 से 11,000 रुपए का रेट था और आज की डेट में 17,000 रुपए पर गज। भाई आप खुद कस्टमर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल जो रियल है, बसावट भी देख रहा हूँ, बसावट भी आपके सामने हुई है, आप जो भी देख रहे हैं रियल में। आपको कस्टमर से पहले कुछ था यहाँ पे? 2-4 मकान बने हुए थे, उसके बाद से जब मैं जब से आया हूँ जो काफी मकान। तो एक चीज और पता करेंगे, दोस्तों आप भी आइए, सर आप आ जाइए थोड़ा सा, आप आ जाइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे थोड़ा सा, इधर आ जाइए। सर ये बताइए आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। मोहम्मद इफ्तिखार, आप कहाँ रहते थे पहले जी? हम पहले जो है रहते थे दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह? चाणक्यपुरी मोतीबाग। चाणक्यपुरी मोतीबाग जी हाँ। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ पे आपकी वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगी हमें, ठीक है जी, फिर हमने आपके वीडियो के माध्यम से हमने आलम भाई से संपर्क किया, उसके बाद मैं ऑफिस में आए, ठीक है, ऑफिस में आने के बाद हमने यहाँ जगह देखा, उनकी गाड़ी में बैठ करके आए, जगह दिखाए, 2-3 जगह दिखाया हमको, मगर हमको दिल्ली सिटी यहाँ सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पर आपको क्यों अच्छा लगा? यहाँ पे सारी सुविधा हमारे पास में, रोड जा रहा है, ठीक है जी, ठीक है, और यहाँ पे सारी सुविधा दे रहे हैं, आने जाने की भी है, पास में है हमारी, वहाँ से बैठो यहाँ तक का हमारा बैटरी रिक्शा भी आया। बैटरी रिक्शा। अब मुझे ये बताइए रोजगार का आप काम क्या करते हैं, ये बताइए जी? हमारा काम है वैसे ग्लोबल टूर एंड ट्रेवल कंपनी से, हम एजेंट भी हैं, हम एजेंट का भी काम करते हैं, बाहर भेजते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रह करके अपना काम भी कर रहे हैं और अपने घर में रह भी रहे हैं। अगर बात करें ना अफोर्डेबल की, सर ये बताइए अफोर्डेबल यानी कि कितनी अच्छी और सस्ती जमीन है, हर भाई ले सकता है? हर भाई ले सकता है। आपने कितने गज का प्लॉट लिया था जी? हमने 35 गज का लिया, हमारा सामने वो बन गया है,
इधर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, ये देखिए, ये 35 गज का प्लॉट है जो ये बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर वो हरी टंकी रखी है जी, नहीं सफेद वाली, सफेद वाली, ठीक है। तो ये इन भाई का प्लॉट है, इन्होंने लिया और बना हुआ है, देखिए। आपने खुद से बनाया, आलम भाई से बनवाया? नहीं, आलम भाई से हमने बनवाया। क्या दिया था शुरू में, क्या दिया था? हमने उनको 5,000 से पर्ची कटवाई थी, ठीक है। बाकी हमने अभी तक टोटल हमारा 80-82 हज़ार रुपए पहुंचा बस। क्या बात है, चलिए मैं तो ये कहूंगा 80-82 हज़ार रुपए आपने दिए, लेकिन आज आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं ना, अपने घर में रह रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप भी आइए ना, मालिक बन चुके हैं। क्या बात, आप जो है किसी भी कस्टमर से पूछोगे रियलिटी पूछिए जी, ठीक है जी, हम कोई भी फेक नहीं कर रहे। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कुछ और भी घर बने हुए, एक घर यहाँ पे बना हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। राज भाई क्या कर रहे हो? अरे सर यहाँ तो आपकी कॉलोनी दिखा रहे हैं, कॉलोनी दिखा रहे हो जी, क्या बात। ये लीजिए दोस्तों, सलमान भाई भी आ गए हमारे, आप देखिए यहाँ पर हन्नी भाई यानी सलमान भाई जी, दो नाम है इनके, दो नाम से जाने जाते हैं और आपकी खिदमत में हमेशा यहाँ पर रहते हैं। आप कभी भी किसी भी साइड पर रहेंगे आपको ये जरूर मिल जाएंगे। ये हमारे जी, ये बना हुआ हमारा, ये देखिए वाला जो, ये भी पीछे वाला देखो, इनका भी बारिश के चक्कर में थोड़ा काम रुक गया है जी, बारिश की वजह से काम रुका हुआ है जी। और एक ये भी मकान बना हुआ है जी, ये कितने गज का है जी? ये भी 100 गज का है जी। तो ये किनको दिया है जी आपने? ये हमारे एक शाहिद हुसैन भाई है, ठीक है, दे रखा है जी। अच्छा जी, जैसे इनका भी 150 गज है, 150 गज का, 100 गज में इन्होंने बना लिया, 50 गज ये छोड़ रखी है जी। अच्छा जी, यानी अलग से और ले रखा है। हाँ जी, क्या बात है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सभी लोग अपने घर बना रहे हैं और यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। एक चीज और पूछना चाहेंगे जी, जैसे आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो आप थोड़ा सा ये बताइए, इधर आ जाइए आप, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है? तैयार हो रही है जी, बिल्कुल हमारे इसी कॉलोनी में, इसी कॉलोनी में अंदर ही। क्या बात, घुसते के साथ ही पहले स्कूल ही पढ़े। और आसपास, आसपास की बात करें तो आसपास की अगर और बड़े बड़े स्कूल चाहिए, जे आर ग्लोबल है, सीपीसी है, सीआरसी है, ठीक है जी, ये सारे बड़े बड़े स्कूल है जी। अच्छा जी, हाँ, यानी और सरकारी स्कूल भी है, वल्लभ भाई पटेल करके वो पावी में है जी, यानी सरकारी प्राइवेट सारे सारे सारे। अगर हम हॉस्पिटल वगैरह की बात करें, आइए जी आइए, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जी आसपास हॉस्पिटल सारे जी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जाओ हॉस्पिटल सारे, मल्टी जो मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल जो बने हुए सारे मिलेंगे आपको जी। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछना चाहूंगा मैं, जैसे बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनके लिए रोजगार बताइए, वो यहाँ पे काम कहाँ करेंगे? यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे टोनिका सिटी है जी, और टोनिका सिटी में सारे मतलब रोजगार करते हैं। यानी ट्रांस, ये हमारे इरफान भाई का लड़का भी काम करता है वहीं पे, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से मशहूर है। यहाँ जी, ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके लिए फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया सारा मिल रहा है, रेजिडेंशियल आप यहाँ पे कर सकते हैं, रोजगार के लिए सामने जा सकते हैं। कितनी दूरी पर है जी? ये 5-10 मिनट की दूरी पर है जी, पैदल जा सकते हैं, आराम से निकल जाओ, पैदल जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये सभी आप लोगों का प्यार है जो यहाँ पर सभी लोग आकर के रह रहे हैं। गोपाल भाई यहाँ तो सभी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, बिल्कुल जी, कोई ना हिंदू ना मुस्लिम, नहीं नहीं नहीं, सभी लोग प्यार से मिल, सब प्यार से मिल बांट के रहते हैं जी। अच्छा, एक ही थाली में खाना है जी। क्या बात है, अभी ये बताइए जैसे यहाँ पर मंदिर मस्जिद इन चीजों की सबकी सुविधा मिलती है? सुविधा। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो यहाँ पे मकान बनाते हैं जी, तो आज की डेट में कितने मकान बना चुके होंगे इस कॉलोनी में? यहाँ से करीब 40-50 मकान बन चुके हैं। अच्छा जी, ये सारा अभी 2-4 महीने का खेल है सब? 6 महीने का है लमसम। ठीक है दोस्तों, इतनी जल्दी बसावट आपको किसी कॉलोनी में नहीं मिलेगी जो यहाँ पर मिल रही है। अब सबसे अच्छी बात है कि बसावट होगी, उसके साथ साथ फैसिलिटी भी मिलेंगी, धीरे धीरे रोड बनेंगे, धीरे धीरे नालियाँ बनेंगी, यहाँ पर जमीन में डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आप करा करके देंगे ना? जी जी जी, पानी का, बिजली का, सीवर लाइन का, जो भी है, ये गेटेड सोसाइटी बनेगी जी। क्या बात है, ये गेटेड सोसाइटी बनेगी, ये दिल्ली सिटी 1 है, ये गेटेड सोसाइटी है जी। ये लीजिए दोस्तों, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बिल्कुल दिल्ली के पास शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। आपको यहाँ पर आना है, अपना प्लॉट पसंद करना है और अपने घर का मालिक बनना है। अब यहाँ पर आपको आना कैसे, उसके लिए सर ने आपको सारी चीजें बता दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी के साथ एंड करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार यहां पर जरूर आएं और अपने प्लॉट देखें, पसंद करें, और बनवाना चाहते हैं तो भी आप आलम भाई से बात कर सकते हैं।